Good morning, students. Let us see the first numerical for today. जब तक मैं इसमें से ऑनलाइन सर्वर पे नहीं जाता हूँ तब तक वो डेफिनेटली ऑफलाइन दिखाएगा, ये बात याद रखा करो. मैं आप लोगों का वक्त और डेटा दोनों बचाने के लिए ऐसा करता हूँ. वेल, क्वेश्चन नंबर 9 एज अ सीन ऑन योर स्क्रीन. नाइन हो गया था अपना, राइट. क्वेश्चन नंबर 10 आएगा. अ पुलिस कार ट्रेवल टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. द साइरन ऑन द कार इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्स. कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन 340 मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया है, चलो देखते हैं. क्या होता है इसके अंदर बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 सही है. वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी जो कार है उसकी वेलोसिटी दी है. एक मिनट. अ पुलिस कैन ट्रेवल टुवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओके एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. पुलिस कार बोला है ना यार, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ही हुआ ना, वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया 15 मीटर पर सेकेंड. यानी वो कार के जो सायरन का साउंड है ना उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड. द सायरन ऑन द कार इमिटेड अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो है 250 हर्ट्ज़. कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, बाद में बोलता है द स्पीड ऑफ द साउंड इन 340 मीटर पर सेकेंड. Is found to be v equal to 340 meter per second. 340 meter per second आपको velocity of sound दिया है और अपने को बोला है कि find out the apparent frequency and dash question mark बोला है. तो चलो देखते हैं लिखना कैसे. ऐसे according to Doppler effect. डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे. सोर्स ऑफ साउंड मूव टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर n इक्वल टू, अगर मुझे n निकालना है तो एक मिनट, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी तो n डैश कर लेते हैं और n इन द ब्रैकेट v अपॉन v माइनस vs, ये फॉर्मूला लिखा जाता है. तो मुझे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो कैसे निकलेगा, n दिया है मुझे 340 नहीं, कितना है, 250 है, 250 वेलोसिटी है 340 अपॉन 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स 15. तो आसानी से इसकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो. आपको स्टेप्स सारी बता दे रहा हूँ, देखते हैं कैलकुलेशन अगर पूरा हुआ तो कंप्लीट लिखेंगे. 250 इंटू 340 अपॉन में325. अब कैलकुलेशंस क्या क्या हो सकते हैं. अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे सीधा एक 10 आएगा. 25 फंजा, फिर आएगा 75 25 3 जा, ये 13 आएगा. 3400 डिवाइड बाय
13 करना होगा अपने को, तो एन डैश कितना आ जाएगा, तकरीबन 261.5 हर्ट्स। दिस विल द करेक्ट आंसर। हो जाए तो थम्स देना मुझे। आपका राइटिंग हो जाए तो लाइक्स दे देना, मैं आगे निकलता हूँ फिर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपकी किताब में। द साउंड इमिटेट फ्रॉम द साइरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इट द एम्बुलेंस इनिशियली ओके ट्रेवल टूअर्ड एंड देन अवे। ओके, दोनों भी कंडीशन सॉल्व करके चाहिए। द ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। इतना हार्ड नहीं है, कंसेप्ट सिंपल है। लेट अस सी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। सवाल नंबर 11 में ऐसा बोला है कि द साउंड इमिटेड फ्रॉम द साइरन ऑफ द एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी दिया है एम्बुलेंस का 1500 हर्ट्ज, राइट? यस। द स्पीड ऑफ द साउंड is velocity equal to 340 meter per second दिया है। calculate the difference in a frequencies, difference in a frequency, एक मिनट, calculate the difference in a frequency heard by the stationary observer। it is if the ambulance initially traveled toward, ठीक है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, ऐसा समझ के चलते हैं। एन डैश क्वेश्चन मार्क है आपका। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, इन शॉर्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है आपको और वेलोसिटी ऑफ सोर्स दिया है आपको, वो है 30 मीटर पर सेकंड। अब केस नंबर 1 बनाओ, दो केस में आंसर बनेगा। अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के मुताबिक एम्बुलेंस मूव्स टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर। जो इंसान आवाज सुन रहा है वो लिसनर हुआ, तो वो स्टेशनरी है, वो मोशन में नहीं है। तो एम्बुलेंस उसके तरफ आ रही है, तो एन डैश इक्वल टू एन इन द ब्रैकेट वी अपॉन वी माइनस वी एस आएगा। तो एन डैश इज इक्वल टू एन इन द ब्रैकेट, एन की वैल्यू है हमारे पास में, पुट कर देते सीधा सीधा। अब 1500 वैल्यू दिया है आपको और वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 रहता है, अपॉन 340 माइनस 30। तो ज़रा मैं साइड में यहाँ पे लिख दूँ, एन डैश इक्वल टू 1500 340 310।
अब आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, मैंने किया हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 1645 डिवाइड बाय 16 हर्ट्ज, लिख लो फास्ट। ये एक पार्ट हुआ इसका, इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में इसने लिखा है कि एम्बुलेंस मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। एक और पार्ट बचा है इसका, हो गया चैप्टर खत्म, यानी अब इसके बाद में हम लोग नए चैप्टर में जा सकते हैं, ऑप्टिक्स। चलो चलते हैं आगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखना पड़ेगा हमें, उसे हम सेकंड नंबर बनाते हैं। एम्बुलेंस मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। अब वो जो साउंड का सोर्स है वो अवे जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, दूर जा रहा है ऑब्वियसली। तो कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन, एन डैश मतलब यह निकालना है आपको, तो ठीक है एन इन ब्रैकेट यहाँ पे एन डैश कर लेते हैं, वी अपॉन वी प्लस वी एस, ये है तरीका। तो एन डैश इज इक्वल टू, एन दिया आपको 1500, वी अपॉन वी प्लस एस 340, 40 प्लस 30 1500 इंटू 340 अपॉन 370, राइट, 00 कट करो तो 34 इंटू 1500, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे तो 51000 आता है। नोटबुक पे करके रखा है मैंने ऑलरेडी पेज पर साइड में, आप लोग ये मत कहना कि आप इतने स्पीड में कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने किया हुआ है पहले सॉल्व, और आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका है भाई, यहाँ से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में पूछा था द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी इज, सो लेट्स सी, देयरफॉर द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी इज, कैसे लिखेंगे, 1645 माइनस 1378 हर्ट्स में है ये, तो फाइनल आंसर कैलकुलेशन करके सब्सट्रैक्शन करके 267 हर्ट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टू क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, बहुत सिंपल से दो सवाल ही हम लोगों ने पढ़ने थे आज, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के थे तो मैं नहीं चाहता था कल उन दो सवालों को पिछले सवालों के साथ पढ़ाया जाए, मिक्स किया जाए। सो लेट अस सी, हो जाए तो बता देना, लाइक्स तो ठोको यार, बस कल से जूम पे जाना है, यूट्यूब पे नहीं है कल से, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना यूट्यूब पे ही पढ़ाओ, जूम पे पढ़ाओ ही नहीं। चलो बेटा आगे, हो गया सबका लिख के, थैंक यू। जब हम किताब को देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया खत्म,
और अगला चैप्टर लगता है ऑप्टिक्स, और इतना स्टार्टिंग के पॉइंट्स को डिलीट कर दिया जिसमें सारा बेसिक छुपा था, ये सारा बेसिक गया इस चैप्टर का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब गया, उसके साइन कन्वेंशन नहीं दिखा आपको पढ़ाने हैं, और बगैर साइन कन्वेंशन के रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ाओ, यार ये कहाँ का न्याय है यार, ये पॉइंट एक दूसरे पे डिपेंड नाम की कोई चीज़ भी नहीं है क्या? जितना आपको रेड दिख रहा है वो है डिलीट, और जो रेड नहीं है वो है सिलेबस। गड़बड़ यहाँ हो गई कि अगर मुझे ये डायग्राम्स निकालनी है तो इसका आपको बेसिक तो देना ही पड़ेगा ना। कहाँ से शुरू करें पढ़ाना? रिफ्रैक्शन से ये पॉइंट्स हैं, प्रिज्म गया, बाइनोकुलर गया। आपके पास किताब है ना, आप लोग इस पर टिक मार्क कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके बाद में, मैं इसलिए पहले स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ। इस चैप्टर में बचा क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म, चलो ठीक है। उसके बाद डेविएशन, ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला है, अच्छा हुआ, लेंस मेकर भी होगा, मिरेज भी है। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की डायग्राम्स है, लेंस मेकर इक्वेशन है हम लोगों को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भी रखा इन्होंने, डिलीट नहीं किया। टेलीस्कोप डिलीट है, माइक्रोस्कोप है एटलीस्ट, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश करने में क्या जाता है। यानी इसका ये पक्का मतलब हो गया कि चैप्टर ज़्यादा लंबा खींचने वाला नहीं है, बहुत शॉर्ट में निपटने वाला है, क्योंकि आधा से ज़्यादा चैप्टर जो है वो लाल लाल दिख रहा है, ये लाल लाल का मतलब है डिलीट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को कल स्टार्ट किया जाएगा मॉर्निंग में 8 बजे। आज का लेक्चर आई नो बहुत छोटा हुआ, बट चलता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थे, 2 ही क्वेश्चन करने थे। आज अगर मैं चैप्टर लगाता हूँ तो आप लोग फिर भी कहेंगे कि सर एक पॉइंट हमें क्वेश्चन पूछना था, मेरा माइक ऑन नहीं हो सकता था, यूट्यूब पे मत लो वगैरह वगैरह। कल इस क्वेश्चन इस चैप्टर को जूम पर ही पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर नहीं, ठीक है गाइस, रुकते हैं यहाँ पर, एंजॉय योर डे। आज की तारीख में हम लोग 3 लेक्चर्स अनअकैडमी पर करेंगे, और बहुत ही जल्द अनअकैडमी पर एक और अनाउंसमेंट करने वाले हम लोग रिगार्डिंग टू द क्लासेस, बताता हूँ बाद में, थोड़ा सा सरप्राइज है। बाय बाय।